horas solar que é, olha, se mata um indígena, 2 horas solar que é só sala. 2 horas solar, Paquistão que ele é, foi quase a da mosquita salve nem tá. Lekin, kuch aise event hue hain, jo matlab jaari baat hai, ke Maulana Azizi sa duniya se jana. Abjad Sabri, iske baad aap Junaid Jamshed. ये एक ऐसे इवेंट है वे एक्सीडेंट हुए हैं कि जिसको जाहिर बात है कि लोग मतलब उनको बुला नहीं पा सकते क्योंकि ये बहुत बड़ी शख्सियत थे. तो मौलाना अजीज की वो खिदमत है कि मेरे ख्याल से ये पूरे पाकिस्तान के हर आदमी के लिए रोल मॉडल थे और इनकी बड़ी खिदमत थी. और उन्हीं खिदमत के सिला यही था कि जब इनकी नमाज जनाजा हो रही थी तो आर्मी चीफ शिरकत की थी और बड़े साहसा लोग आए थे. तो मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसा या एक पाकिस्तान के लिए मुश्किल टाइम था क्योंकि मौलाना अजीज के रसूल टाइप को देखें तो खिदमत से बड़ी बड़ी थी. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जिससे पाकिस्तानी कौम बहुत सारी दफ़ा गम में निकाल रही है. और मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान दुनिया का एक ऐसा मुल्क है कि जिसकी यंग पॉपुलेशन ज़्यादा है और ये अपने पाँव पे खड़े होकर ज़्यादा अरसे तक काम कर सकते हैं. मुल्क की इकनॉमी के हवाले से बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं तो मैं ये सिर्फ बताना चाहता हूँ कि गलतियाँ तो खैर पाकिस्तान में इतने बहुत की हैं और हम ये नहीं समझते गलती हो सकती है लेकिन काम ज़रूर करना चाहिए, काम को छोड़ना नहीं चाहिए. बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि ईमानदारी ज़रूर दिखाते हैं लेकिन वो ईमानदारी के चक्कर में काम नहीं करते. तो मेरा ये ख्याल है कि आपको ये काम ज़रूर करना चाहिए क्योंकि मुल्क को अगर आगे लेके जाना है तो एक्टिविटीज़ रहनी चाहिए. एक्टिविटीज़ को छोड़ोगे तो मुल्क ज़्यादा पीछे चले जाएगा. तो हम हमारी नई जनरेशन के लिए मेरा ये मशवरा है 2017 के हवाले से कि हम सब मिलजुल के मेहनत करें, इस मुल्क को आगे लेके जाएं क्योंकि ये मुल्क जब से बना है इसको इंडिया ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया. हमेशा कोई ना कोई साजिश हमारे मुल्क के खिलाफ चल रही होती है. और पाकिस्तान की एक बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में एक ही इदारा है जो परफॉर्म कर रहा है, वो पाकिस्तान आर्मी है. तो बाकी इदारों को भी परफॉर्मेंस की ज़रूरत है और हमारी यूथ अगर सही तरीके से फोकस होकर काम करे और हर इशू पे बात करे, जो भी चीज़ बुरी हो खुल के आके सामने बताए, तो मैं समझता हूँ कि और लोगों को हम कन्विंस करें कि ये हमारा अपना मुल्क है, इसको हमें आगे लेके जाना है. बड़ी कुर्बानियों से हमने इस मुल्क को हासिल किया है और वो कुर्बानियाँ लोगों को याद दिलाते रहें. लोगों से ये कहा जाए कि भाई इस मुल्क को आगे लेके जाना है. इस मुल्क के पास ऐसा वेदर है कि 365 दिन आप काम कर सकते हैं. दुनिया में अब बॉर्डर की लड़ाई से हट के इकोनॉमिक वॉर शुरू हो गई है तो इकोनॉमिक वॉर में तो हमारे माशाल्लाह लोग भी बड़े परफेक्ट हैं, काम करने के आदि हैं. दुनिया में बड़ी अच्छी अच्छी जगहों पे बैठे हुए हैं. अगर वो अपने मुल्क के अंदर बैठ के काम करेंगे तो ज़्यादा फोकस होकर काम कर सकते हैं. तो आप आए, हम सब ऐड करते हैं कि 2017 पाकिस्तान के लिए एग्जाम्पल साल होगा और इसमें हम मेहनत करेंगे, इस मुल्क को बहुत आगे ले जाएंगे. दहशत गर्दी के हवाले से जो हमारी आर्म फोर्सेस ने पूरा 2015-2016 फोकस होके क्या टेररिज्म के अगेंस्ट उन्होंने फाइट की, जिसका हमें फायदा हुआ, जिसकी वजह से कराची जैसी सिटी जो कि बिल्कुल ही दहशत गर्दी का शिकार हो चुकी थी, लोग यहाँ मायूस हो गए थे, लोग यहाँ से माइग्रेट कर रहे थे, वो सारी एक्टिविटीज बाहर भी असली लोगों के. अब आप देखेंगे माशाल्लाह कराची एक रौनक वाला सिटी बन गई है जो पिछले काफ़ी टाइम से हम इसको 2013 में तक तो हम देख रहे थे कि बहुत बुरे सेम में हम आ चुके थे और हर आदमी कराची छोड़ के भाग रहा था. तो इसी तरह पूरे पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि काफ़ी एक्टिविटीज बाहर भी है और अब हमारी यूथ भी जो हमारी आर्म फोर्सेस की जो कुर्बानियाँ हैं और जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों ने जो कुर्बानी दिए वो भी आए और इस मुल्क की तरक्की में हिस्सा बने ताकि ये मुल्क फर्दर तरक्की करे.